इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ऐसा दिया हुआ, ठीक है, देन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है कि वेक्टर बी ऐसा रहा होगा, मान लो सी ऐसा रहा होगा, तो माइनस सी ऐसा हो जाएगा, तो बी माइनस सी कैसा हो जाएगा, एक तरीके से वेक्टर बी और वेक्टर माइनस सी का रिजल्टेंट, ठीक है। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, बाकी हिंट में सब कुछ ही दिया हुआ है। दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज सच दैट इट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है। हमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ये वाला रेड वाला, और वेक्टर बी के बीच में निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा निकालना है। तो बड़े आराम से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन हमें सी को भी शामिल करना है, ठीक है। वैसे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वाला, पर ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए इज इक्वल टू बी माइनस सी है। अब हमें मानना ही पड़ेगा हिंट को, उसके बिना ये होगा नहीं। वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाए तो बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए डॉट, यही चीज दोबारा आ जाएगी, है ना। अब देखो कोई वेक्टर अपने से ही कितना एंगल बनाता है, जीरो डिग्री, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सी सी कॉस जीरो डिग्री, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, अब प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा भाई, ठीक है, माइनस ए डॉट वेक्टर बी, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, है ना। तो सी सी कॉस जीरो डिग्री को लिखने की बजाय, मतलब अगली बार लिख लेंगे, चलो सब कुछ समझाते हुए कर रहा हूं मैं, काफी लोग इसको काफी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। सी सी कॉस जीरो डिग्री, उसी तरह यार ये भी आ जाएगा, बी बी कॉस जीरो डिग्री, ए ए कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, सी सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और जल्दी हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी। अब यहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे बी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट बी लिखो, एक ही बात होती है, क्योंकि ये कमुटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कमुटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। काम खत्म होते हुए लग रहा है, 2ab को एक साथ ले आओ, और ए डॉट, ये मोदी जी वाला 2ab नहीं है ये, ठीक है, ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा हो गया, है ना, यहां लिख लिया उसको बी स्क्वायर, अरे यार ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको इधर ले आ, ये सब मैथ्स में है ये चीज यार, ये प्रूफ, सेम प्रूफ मैथ्स में भी है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, और थीटा को अब आप कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं, अब तक तो आपने इनवर्स सीख ही लिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, प्रूव हो गया। ये प्रूफ वाला सवाल है, अगर इसमें प्रूफ दैट करके लिखा होता तो ये स्ट्राइक करना बहुत आसान होता फिर आपके लिए कि हम ऐसा करने वाले, लेकिन सीधे ही फाइंड थीटा, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, सर मेरा आंसर बताइए सही है कि नहीं, थीटा यहां से आइसोलेट कर लेंगे, है ना, बच्चे क्या कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, अरे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी
ये थीटा के कॉस थीटा हो जाएगा ये। इधर से देखो, इसको लिखे चाहे ये लिखे एक ही बात है। और बच्चे कह रहे हैं सर ये बताइए मेरा सही है कि नहीं। आपका भी सही है, लेकिन यार फिर सी का क्या, सी किस लिए दिया गया है ना। तो इसलिए यही करके आइएगा आप एग्जाम में। दिस इज अ प्रूव दैट क्वेश्चन।